गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू। तो अभी रात के लगभग 8 बजे हैं और हमारे ओड़िया पांजी में कल से नवरात्रि चालू है। बाकी जैसे मूर्ति जो स्थापना करेंगे, मूर्ति उर्ति जो रखते हैं दुर्गा मैया का, वो परसों से, तो उसी का अभी तैयारी चल रहा था हमारे घर में जोरदार। देखिए यहाँ पे इसको हमारे कास्ट में बोला जाता है लेखनो झूठी। तो ये अभी सुबह से शाम तक बस मम्मी और झरना यही सब काम को किए हैं। और जितना भी मम्मी तो नवरात्रि भी करती है तो साफ सफाई वगैरह जितना भी हमारा पूजा स्थान का। और कल से ना दादी वो ढेऊ रंग में जो बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, क्या क्यों कौन बोलते हैं नहीं, वो जो दुर्गा देना बोलते हैं। अच्छा कल हम लोग गए थे पत्थल गांव तो झरना ली वहां से द्वारिका महाराज यहां से ढेऊ रंग पाउडर फॉर्म में। आजकल नहीं तो पहले तो नहीं मिलता था तो हम लोग वो क्या बोलते हैं नदी में जा के पत्थर में खोजते थे। तो उसी का कल हम लोग दुर्गा देंगे। तो जगह जगह यहाँ जैसे मतलब हमारी दुर्गा मैया को हम लोग अपने घर में घुसाएंगे, इसलिए देते हैं ना घर में बुलाने के लिए देते हैं ना उसको है? हाँ तो पूरा घर जगह दरवाजा में भी। और हमारे अंजू लोग के यहाँ होगा कल से नवरात्रि चालू। तो हमारे तो कल देखेंगे अगर जाने का कोशिश करेंगे और आपको दिखाएंगे हमारे कास्ट में हमारे गांव में कैसे होता है। बाकी जगह भी होता है पर सब जगह में थोड़ा थोड़ा सिमिलर ही रहता है, बाकी लोग अलग अलग रहते हैं जिनको माता चढ़े रहता है। तो ये एक तरह का बोलेंगे पूरा डिटेल से वहां बताऊंगा, अभी से बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। जो लोग गाँव विलेज से हैं उन लोग को तो पता होगा कैसे क्या है इसके बारे में कैसे कैसे। और जो लोग नए होंगे वो कल लाइव देखिएगा, बहुत मजा आएगा। तो उसी का अभी तो तैयारी वारी चल रहा था तो यहाँ पे जबरदस्त बनाए हैं। देखिए मेरा आवाज थोड़ा बदला लग रहा होगा क्योंकि मेरे को सर्दी खांसी दबा के पकड़ दिया है, साथ में हल्का बुखार भी। तो टेबलेट वगैरह चल रहा है पर पता नहीं इस बार का कैसे टाइप का वायरल फीवर है। चलिए थोड़ा दादाजी से पूछते हैं हाड़ी बाजा के बारे में। तो ना दादी हाड़ी बाजा लगभग कितना साल से करते आ रहे हैं सबको? 1800 ईस्वी से। और जो वहाँ मतलब देवी माँ चढ़े रहती है अपने से थोड़े होते हैं वो लोग वैसे? नहीं वो देवी माँ का सवार होता है। तो कैसे उनके ऊपर सवार होते हैं और जितना भी मतलब नौ दिन पूरा होता है ना, नौ दिन करते हैं लास्ट दसवां दिन तक। तो लास्ट दिन तो कांटा में बैठाया जाता है, कुर्रा में मारा जाता है, इतना जबरदस्त आपको देख के लगेगा नहीं कि क्या बोलना चाहिए, आप विश्वास नहीं करेंगे इतना खतरनाक टाइप का कांटा में बैठते हैं ना दादा। देव कांटा में और लोहा के कांटा में अब मारते हैं, एक साइड इधर मार चलते रहता है। कल भी बैठेंगे अमावस्या को, कल भी और अष्टावी में भी बैठेंगे। आप लोग ताल मृदिंग और गिटार विटार सब चीज का स्वर तो आप लोग को पता ही होगा, उसका धुन सुने ही होंगे। कल आपको हम सुनाएंगे धनुष का सुर, धनुष में करते है ना उसमें, धनुष के उसके रस्सी से आवाज निकाल के उसी के धुन से मतलब देवी माँ मतलब वही है बोलिए उसी में ही सवार होते हैं, वो सब गाना बजने लगता है फिर। तो जरूरी नहीं है कि जैसे बुजुर्ग लोग को ही चढ़ता है, ये छोटे लोग को भी, एक तो हमारे जो डीले भाई हैं जो अक्सर हमारे ब्लॉग में कई बार आ चुके हैं उनको भी सवार होते हैं कई लोग को। तो कल आपको लाइव दिखाएंगे, आपको तो नहीं चढ़ता है? नहीं परिवार में हमारे पटेल। अच्छा, आजकल तो काफी बुजुर्ग हो गए हैं बोलिए। हाँ, तो हमारे एक दादाजी हैं पटेल दादी, उनको चढ़ता है तो ज्यादा तो चलने फिर नहीं सकते हैं, लेकिन अगर वो माँ सवार हो जाती है तो चाहे वो चलने फिरने भी ना सकते रहे फिर भी वो दौड़ उठते हैं ना। हाँ, बहुत शक्ति है उसमें। चलिए दुर्गा मंडप साइड घूम के आते हैं, आज हमारे दुर्गा मैया को भी ले लाए। गाइस लगभग सारा यहाँ पे देखिए टेंट वेंट जितना लगना था मेरे ख्याल से लग चुका है, अभी तो सब खाना खाने चले गए। तो इधर हमारे दुर्गा मैया को रखा गया है मंच में जहाँ पे अभी रिपेयर वगैरह किया गया, वहाँ तो जबरदस्त सजाए हैं तो अभी तो ढक दिया गया है, काम चल ही रहा है। यहाँ से ये फ्रंट है मतलब यहाँ हमारे दुर्गा मैया ऐसे बैठे हैं, सामने से जितने भी रोड में आते जाते लोगों को सबको दिखता है। तो दिशा पूरब साइड है तो यहाँ से देखिए कुछ इस टाइप का यहाँ पे सजाया गया, अभी तो काम चल ही रहा है कंप्लीट नहीं हुआ है पूरा, यहाँ लगेगा पानी वानी यहाँ जैसे आने से भी कोई दिक्कत ना हो उस टाइप के लिए। और यहाँ पे थोड़ा पटाई वगैरह अभी बहुत काम बाकी है, दिन भर लगे हुए हैं सभी लोग, गांव के लोग जो हर साल करते हैं उन्हीं लोग। तो यहाँ पे देखिए जबरदस्त अभी तो सजा रहे हैं बोलिए, पूरा लुक अभी सजने के बाद आएगा। तो हमारे दुर्गा मैया को भी लेके आ चुके, तो यहाँ से थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, यहाँ से तो दिखेगा नहीं बाकी थोड़ा थोड़ा देखिए। तो फिलहाल हम परसों का इंतज़ार करेंगे, उसके बाद आपको भी दिखाएंगे।
फिलहाल तो कल होने वाला है हाड़ी बाजा। जैसे कुछ भी होता है 9 दिन के अंदर में, तो जैसे पिछले बार जगराता हुआ तो इस बड़े से मैदान में और नाटक वगैरह भी, तो यहाँ नीचे ऊँचे और इधर पूरा बस्ती में ऊपर साइड भी बहुत सारा आएगा, अभी तो दिखाएंगे आपको। बाकी भंडारा उंडारा जैसे बनाने उनाने के लिए 9 दिन पूरा रहता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ एक घर दिख रहा होगा छोटा सा, सुबह अच्छे से दिखता, अभी तो नाइट हो गया है। तो यहाँ हम लोग बनाने के लिए रखे रहते हैं, जिसको मान लीजिए भंडारा अगर किसी को देना है तो टाइम से उसको पहले बताना पड़ता है, उसके हिसाब से हम लोग उसमें सब चीज़ व्यवस्था बनाने उनाने का सब चीज़ सामान वामान शायद मतलब जो जो सामग्री चाहिए वो सब बाकी बन जाता है यहाँ। तो चलिए 9 दिन के अंदर में अगर आप हमारे आसपास के हैं तो ज़रूर एक दिन कम से कम भंडारा खाने आइएगा ज़रूर। अष्टमी के दिन नाटक होता है, उसमें आप लोग ज़रूर आइएगा नाटक देखने, उस टाइम शायद बहुत कम जगह में होता है। सजाने वाले कलकत्ता वाले हैं तो उनका सजावट कितना जी जान एक कर देते हैं। तो कलकत्ता नाम से ही फेमस है, कलकत्ता फ्लावर, कलकत्ता बोलने से डेकोरेशन के मामले में सबसे आगे हैं वो लोग। तो सजने के बाद एक सिनेमैटिक वीडियो जबरदस्त आपको दिखाऊंगा बना के, तो अभी तो आधा अधूरा है तो मज़ा नहीं आएगा अभी बनाने में भी। चलिए अब मैं सीधे आ गया घर, और आज का ब्लॉग तो उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा कल का होगा, क्योंकि कल हमारे यहाँ हाड़ी बाजा भी होगा, और कल कैसे कैसे पूजा पाठ में कैसे कैसे करते हैं सबको भी आपको दिखाएंगे। तो अभी तो फिलहाल लेखनऊ झोटी ही चल रहा है हमारे घर में आज तो पूरा। यहाँ देखिए, पहले जब हमारे पुराने घर में हम लोग रहते थे वहाँ तो पूरा फर्श कच्चा का था, तो वहाँ जबरदस्त रहता था। फिलहाल कुछ कुछ खा लेते हैं यहाँ से, और अभी हम मीकापुर गए थे तो हम लोग आंवला लेके आए हैं, इसका अचार बनाएंगे सोच रहे हैं। गाइस यहाँ कुछ लोग आपको दिख रहे होंगे, ये अंजू लोग का घर है, ये इन्हीं के यहाँ होता है हाड़ी बाजा, तो कल से शुरू होगा, तो आज उसी का मीटिंग वगैरह चल रहा था तो लगभग खत्म हो गया। हाँ देख कैसे कर रहा है, क्यों उछल रहे हैं। गाइस चलिए अब मैं थोड़ा सा लोकी सीजन 2 का सेकेंड एपिसोड देख लेता हूँ, अभी रिलीज भी हो चुका है, तो जो लोग लोकी देखे हैं उन लोगों को तो पता होगा कितना जबरदस्त है। तो फिलहाल मजा लेते हैं, और काफी रात भी हो गया तो वीडियो को यहीं तक रखते हैं। इस वीडियो के लिए एक प्यार भरा लाइक तो बनता है, साथ ही चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा, और वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे कल।